चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये रहा चाबी और फ्यूल टैंक। आप देख सकते हैं कि फ्यूल टैंक कैसा है, इसको दिखता है। और ये पूरा सिस्टम यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे बंद होके रखा है। और अगर अंदर की बात करें तो ऐसा आपको फ्लिप आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा फ्लिप है। मतलब आपको लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा आपको आसानी होगी। यहाँ पे एक फ्लिप करेंगे और ये चाबी के लिए आपका खुल जाएगा। और ये रहा आपका चाबी, सेम चाबी जो आपका गाड़ी ऑन होता है वही चाबी। मैं इसको अंदर घुसा रहा हूँ और इसके बाद इसको थोड़ा दबाइए, दबा के आप इसको थोड़ा राइट में आप घुमाइए तो आपका जो वेल टैंक का जो ये ढक्कन है खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं पूरा घुमाया और 45 डिग्री एक पूरा घूम चुका है। मतलब ये पहले सामने ऐसा था, अभी 45 डिग्री पूरा घूम चुका है। और 45 डिग्री आप अगर घुमा लेते हैं तो तभी आप इसको खोल सकते हैं। तो आप अगर इसको अगर खोलेंगे तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपको रबर सिस्टम देखने को मिलता है। आपका वेल का अगर झाँझ ना आए तो इसके लिए तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रबर का आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी सही है। और यहाँ पे एक मिडल आपको देखने को मिलता है, और ये मिडल क्या काम करता है, चाबी अगर घुमाते हैं तो देखते हैं, चाबी घुमाते हैं तो कुछ काम होता है कि नहीं। चाबी घुमाते हैं, हाँ, जब आप चाबी घुमाते हैं तो इस तो ये अप और डाउन करता है और तभी आपका जो ये वाला चीज़ है ये खुलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। अगर मैं चाबी ऐसे घुमाऊँ तो मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, ये हार्ड प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगा जो ये वाला चीज़ है। और यहाँ पे आपका रबर की कोटिंग आपको देखने को मिलेगा, जो पूरा जो साइड है यहाँ पे रबर की कोटिंग आपको अंदर से देखने को मिलेगा, ये मेटल और ये हार्ड प्लास्टिक। और इसके अगर अंदर जाए तो आपको जो साइड देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको अंदर वाला थोड़ा हार्ड प्लास्टिक मुझे फील हो रहा है कि ये प्लास्टिक है। हाँ, ये थोड़ा प्लास्टिक है, अंदर हार्ड प्लास्टिक आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ये जो पूरे बॉर्डर है यहाँ पे और जो अंदर वाला साइड है, तो यहाँ से मेटल आपको देखने को मिलेगा, पूरा मेटल यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन इसका अंदर क्या है, चलिए देखते हैं। तो ओरा अंदर का साइड आप देख सकते हैं, पूरा पूरा मेटल का बना है। बहुत सारे लोग जो नए नए हैं तो सवाल करते हैं कि अगर ये प्लास्टिक बॉडी है, आपको प्लास्टिक फ्यूल टैंक नहीं मिलता है, आपको प्लास्टिक बॉडी मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आपका फ्यूल टैंक है पूरा मेटल का आप देख सकते हैं। और आपको बाहर से ही आपको मेटल देखने को मिलते हैं, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा अंदर तक गया है पूरा मेटल, और काफ़ी सही है, काफ़ी हार्ड है। तो जो लोग अभी नए राइडर को ख़रीदना चाहते हैं, तो आप अगर सोचते हैं कि प्लास्टिक बॉडी है, मतलब फ्यूल टैंक भी आपको प्लास्टिक में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसके अंदर जो आपको मिलेगा पूरा मेटल का होगा और काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छी है। मैं एक गाड़ी परचेस किया हूँ लगभग 8-9 महीने पहले, तो मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। आपको पूरा जो ये बटन है, जो पूरा ढक्कन है, या ये ज़्यादा आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब आप चाबी घुसाएंगे आप इजीली चाबी यहाँ पे घुसा सकते हो और उसके बाद ये ढक्कन पूरा उठा सकते हो, तो काफ़ी इजी है। मतलब कोई दिक्कत मुझे कभी भी नहीं आई। तो आप अगर इसको बंद भी करेंगे तो बंद करना भी बहुत सिंपल है। आप सिर्फ इसको ऐसे करेंगे, इसको प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, आप सिर्फ इसको प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली घूम गया। मैं फिर से दिखाऊंगा दोस्तों, आपको सिर्फ इसको ऐसे प्रेस करना है और ये चाबी ऑटोमेटिकली घूम जाएगा। देखिए दोस्तों, और ये आप अपनी चाबी ऐसे निकाल सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल है इसको बंद करना, और काफ़ी रिलायबल भी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए और एक्सप्लोरर इंडिया चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए।